गाइस मैंने टेस्ट तो कर लिया है। 1 2 3 एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, और मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा सीरियस है। सीरियस है या नहीं है पर आप लोगों ने तो बना दिया है। आपको पता है हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया है, आपने एनिवर्सरी वाला ब्लॉग भी देख लिया होगा। और आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, सर्दी जुकाम बुखार डलनेस चिड़चिड़ापन काम में मन नहीं लगना, इस टाइप की चीज़ें रह रही है। तो आप लोग तो मुझे हमेशा देखते हो, मैं वीडियोस बनाती हूँ तो आप लोग इन चीज़ों को नोटिस करते हो और कमेंट्स भी करते हो, तो इतने टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आजकल मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि आप जो बात बोलना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वैसे ये मेरा ब्लॉग मेरे फैमिली वाले, मेरे भाई बहन मम्मी पापा सब लोग देखते हैं, तो ऐसे टॉपिक पे बहुत कम लोग हैं जो ब्लॉग बनाते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, पर एक बात ये भी है अगर ये सच होगा तो खुशी की बात है। आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या आपकी बात सही है। अगर सही नहीं है तो फिर आप लोग देख लेना, और अगर सही हुई तो फिर खुशी की बात है। तो वैसे हमारे रिलेशनशिप को 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। मतलब फ्रेंड्स थे हम स्कूल में, हमारी जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई, फिर प्यार को हमने शादी में बदल दिया, और अब क्या होने वाला है होने वाली है वो तो आगे पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, इन लोगों की बातें सही हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारे घर के आसपास मुझे इमली की गुड़लियाँ मिल रही है। इमली की गुड़लियाँ कब देखी आपने? झूठे बार बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे इमली पसंद है, जब गर्मी आती है तो मैं इमलियाँ खाती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चॉकलेट भी खाती हूँ मैं, इमलियाँ भी खाती हूँ, आम भी खाती हूँ, कैरी की चटनी भी खाती हूँ, इसमें क्या है, ये कोई बात नहीं हुई। तो ये तो चेक करने से ही पता चलेगा, और चेक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि किट तो मैंने पहले से ही मंगवा लिया है। इनको बोल दिया है कि आप लेके आ जाओ और मैं चेक कर लूँ, ताकि मुझे भी तसल्ली मिल जाए और आप लोगों को भी तसल्ली मिल जाए, क्योंकि हम दोनों से ज़्यादा तो आप लोगों को ऐसे हो रही कि हम लोग जाने क्या है क्या है क्या है। तो चलो टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं। तो गाइस ये रहा वो हथियार जिससे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट लिखा हुआ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं। तो चलो मैं टेस्ट करके आती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। पहले तो मैं जाके पानी पीऊँगी, घबराहट भी हो रही है। चलो आती हूँ गाइस, मैंने टेस्ट तो कर लिया है और अभी आपके सामने ही आपको दिखाऊंगी, तभी आप मानोगे, क्योंकि वैसे आप लोग मेरी बात बहुत कम मानते हो। तो आ जाओ देखते हैं सब लोग मिलके। पहले आप बताओ आपको क्या लगता है, हैं बोल के बताओ क्या हो सकता है, हो सकता है क्या, हो सकता है जो होना है वो हो सकता है। झूठे। वो उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे वो पढ़ लिए थे, इन्होंने मुझे अच्छे से समझा दिया है कि इनका मतलब क्या है। तो जैसे एक पिंक लाइन आती है उसका मतलब नेगेटिव, नेगेटिव है ना, और दो लाइन आती है उसका मतलब होता है पॉजिटिव, यानी प्रेगनेंसी है। तो आपको क्या लगता है, चलो 1 2 3 करो फिर मैं बताऊंगी। मैजिक करते हैं, मैजिक 1 2 3 एंड बट दैट आउट। सो गाइस ये देखो दो लाइन आई है इसके अंदर, यानी हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं बहुत जल्दी। वो तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ही पता चलेगा, सोनोग्राफी वगैरह होगी, तो वो भी आप लोगों को अभी हम कंटिन्यू दिखाने वाले हैं कि क्या क्या अपडेट मिलती है डॉक्टर से हमें। तो चलो ये टेस्ट हो गया है, अभी हम डॉक्टर से मिलके आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार चेकअप करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी है और हम तो बहुत ज़्यादा खुश है। हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चेकअप करवाने के लिए धूप है बहुत ज़्यादा। तो चेकअप डन हो चुका है, अभी मैं आपको घर पे जाके रिपोर्ट बताऊंगी कि क्या बोला है डॉक्टर ने। सो गाइस ये रही रिपोर्ट, ये रही रिपोर्ट, और ये रहा छुटकू सा बेबी जो कि अभी पेट में बन रहा है, प्रोसेस चालू है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।